बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीपति नारायण की जय। प्रिय भक्तों, कार्तिक महात्म के अंतर्गत जो हम अध्याय सुना रहे हैं, आज उसमें आठवें अध्याय का वर्णन हम लेकर आए हैं। और इस आठवें अध्याय के वर्णन में कथा है नारद जी द्वारा कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि का वर्णन। भक्तों, बहुत आनंद आने वाला है, क्योंकि विधि क्या है उद्यापन की, ये जानना बहुत ही आवश्यक होता है महिलाओं के लिए, क्योंकि उन्हें उद्यापन करना होता है। तो श्रद्धा और भक्ति के साथ में सुनिएगा, आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, ये निश्चित जान लीजिएगा। और बोलिए विष्णु भगवान की जय। स्नेह के साथ बोलिए, नारायण बोलिए, नारायण, दो बार नारायण नारायण, तीन बार महर्षि नारद की तरह हृदय में विष्णु भगवान को बसाकर बोलिए नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जिसकी दया से सरस्वती भाव रही उपजाए, कार्तिक महात्म का वशिष्ठ लिखे आठवां अध्याय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, नारद जी राजा पृथु को आगे कथा सुना रहे हैं, क्या सुनाते हैं आइए सुनते हैं। नारायण नारायण नारायण। हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए तथा विष्णु की प्रसन्नता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावें, बंधनवार फूलों से सुसज्जित करें, चंवर से सुशोभित मंडप बनावें, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील सुशील जय और विजय इन चार द्वारपालों को अलग अलग बैठावें। तुलसी की जड़ों में चार रंगों द्वारा सर्वतो भद्र मंडल बनवावें, उसके ऊपर पंचरत्न नारियल रखें और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढकें, फिर भगवान विष्णु का पूजन करें। नारायण नारायण। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था विधि विधान पूर्वक, इसलिए भगवान विष्णु का उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत करना चाहिए। अपने गुरु की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। नारायण नारायण। व्रती विविध प्रकार के वाद्यों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धा पूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के निमित्त जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। और हम चाहते हैं भक्तों कि आपको भी वो फल मिले, तो आइए थोड़ी सी नारायण भक्ति हो जाए नारद के साथ। बोलिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करता है और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है,
उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल प्राप्त होता है। नारायण नारायण। पूर्णमासी को पत्नी सहित देवपाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावें और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावें और यथाशक्ति दक्षिणा देवें, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। नारायण नारायण। अतएव उस दिन जो दान हवन जप आदि भगवान विष्णु के निमित्त किया जाता है वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसीलिए प्रति तीन या एक ब्राह्मण को सहपत्नीक सामर्थ्यानुसार भोजन कराएं। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनाने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्राभूषण आदि से पूजन करके उनके इस प्रकार क्षमा प्रार्थना करें। कैसे? भावार्थ बताते हैं। आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हों। मेरी मृत्यु के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देवें। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। इस प्रकार से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत उद्यापन करता है वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार यहां पर कार्तिक महात्म के अंतर्गत सुनाई जाने वाली अध्यायों की कथाओं में 8वां अध्याय और उसकी कथा नारद जी द्वारा कार्तिक व्रत के उद्यापन विधि का वर्णन यहीं पर समाप्त होती है। तो स्नेह के साथ आदर के साथ बोलिए नारायण, 2 बार नारायण नारायण, 3 बार बोलेंगे महर्षि नारद की तरह भगवान विष्णु को हृदय में बसाकर नारायण नारायण नारायण। बोलिए विष्णु भगवान की जय जय जय।